आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करते हैं एंड मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर रहे हैं। फेसबुक पे जुगन काजिम ऑफिशियल पे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे JUGGUNKAZIM लिख के फॉलो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और एक दूसरे का ख़ास ख्याल रख रहे होंगे और उसके साथ साथ अपना भी। आई होप कि आप मेरे YouTube के चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे होंगे, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर रहे होंगे, वीडियोस को लाइक भी करते होंगे और शेयर भी करते होंगे, और ऑफकोर्स कॉमेंट सेक्शन में अपने कॉमेंट्स भी शेयर करते होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहती हूँ वो मेरे लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से है क्योंकि आप लोगों ने बहुत दफ़ा पूछा पिछले कुछ दिनों में कि मेरी रमज़ानुल मुबारक की रूटीन क्या होती है, मैं अपना दिन कैसे गुजारती हूँ, व्हाट डू आई डू। अब मेरी दो डिफरेंट रूटीन्स होती हैं। एक तो ये है कि अगर मैं रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट कर रही हूँ तो मेरी बिल्कुल एक डिफरेंट रूटीन होती है, और अगर रमज़ान की ट्रांसमिशन ना होस्ट कर रही हूँ तो फिर मेरे दिन जो है वो बड़ी डिफरेंटली गुजरते हैं। क्योंकि अगर रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं होती, एज इन मैं नहीं होस्ट कर रही होती, तो देन मॉर्निंग शो भी नहीं होता, तो मेरे पास फिर पूरा दिन होता है अपने रोज़े, अपने मज़हब को, और थोड़ा सा जो है वो नमाज़ और इन चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर पाती हूँ। और वैसे भी रमज़ान एक बहुत ही इनलाइटनिंग महीना होता है, हमें ग्रो करने का मौका मिलता है। वैसे तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत कंसिडर करती हूँ कि पिछले 8 साल से, बल्कि 9 साल से रेगुलरली रमज़ान मुबारक की इफ्तार ट्रांसमिशन होस्ट कर रही हूँ। इनमें से एक ट्रांसमिशन मेरे ख्याल से सहरी की थी जो मैंने एक्सप्रेस पे की थी चैनल पे, और उसके बाद PTV पे 8 साल से लगातार कर रही हूँ। उस दौरान होता यह है कि मैं सुबह ऑफकोर्स फजर पे जागती हूँ, हम सारे मिलके फैमिली वाले जो हैं वो रोज़ा रखते हैं, सहरी करते हैं, और उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ के ज़्यादातर सारे सो ही जाते हैं। क्यों झूठ बोलूँ कि जागे रहते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि वैसे ही एक एक्साइटमेंट होती है अगले दिन रोज़ा रखने की, तो नींद भी सही तरह पूरी नहीं आती कि अगर आँख ना खुले। उसके बाद उठना, अपनी रूटीन की तरफ जाना। अब मेरी सिचुएशन ये होती है कि या तो मैं इफ्तारी सहरी से पहले अपनी एक्सरसाइज करके रोज़ा रख के फिर सो जाती हूँ, या फिर मैं इफ्तारी से पहले, तो यानी कि सहरी से पहले, या फिर इफ्तारी से पहले, या फिर अगर बहुत बुरा हाल हो रहा हो रोज़ा खुलने से पहले तो फिर रात को एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज मैं नहीं छोड़ती, बिकॉज वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेरी फिटनेस का, और अगर पूरा महीना कोई भी एक्सरसाइज नहीं करूँगी तो फिर आप पीछे चले जाते हैं ना अपनी उसके अंदर, अपनी रूटीन के अंदर, और अपनी वो जो एक फ़िटनेस है उसके अंदर। मेरी कोशिश ये होती है कि अब रोज़ा रख लिया, सो गए, जागे, फ्रेश हुई, थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों को दिया, उनके साथ वक्त गुजारा, अगर रमज़ान ट्रांसमिशन है तो फिर इफ्तारी का पूरा डिस्कस कर लिया घर पे कि क्या क्या चीज़ें बनी हैं, क्योंकि मेरा रोज़ा तो खुलता है सेट पे PTV के। मैं कोशिश ये करती हूँ कि पहले सारी चीज़ें रेडी करके और फिर ख़ुद हेयर एंड मेकअप करके, मतलब वज़ू करके, फिर एक ही दफ़ा, क्योंकि बार बार मेकअप नहीं हो सकता, उसके बाद हेयर एंड मेकअप करके मैं चली जाती हूँ PTV के सेट पे, जहाँ पे भी सेट लगा हो। मेरे पिछली 2 रमज़ानें जो हैं वो तो गुजरी हैं कराची के अंदर, तो वहाँ पे मैरियट होटल में हमारी ट्रांसमिशन होती थी, वहाँ पे जाना, उसके बाद फिर सेट पे चले गए, फिर अपनी स्क्रिप्ट की तैयारी। एक बड़ी प्यारी चीज़ होती है कि एक तो सारे मिलके बाजमात नमाज भी पढ़ लेते हैं सेट पे, जब साथ में ट्रांसमिशन हो रही होती है, उसके साथ रोज़े का इतना पता नहीं चलता क्योंकि लाइव ऑडियंस होती है, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं लोगों के साथ, बातें कर रहे होते हैं, और साथ साथ कितनी अमेजिंग बात है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हमदे बारी ताला सुनने का मौका मिलता है रेगुलरली, क्योंकि वो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होता है, तो इबादत की इबादत हो रही होती है, साथ में रिलीजियस स्कॉलर्स हमें गाइड कर रहे होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आई डोंट नो वाई हम रमज़ान को एक सेलिब्रेशन का टाइम नहीं समझते। एक महज़ब अंदाज में सेलिब्रेशन जो है वो बहुत अच्छी लगती है, और पूरी दुनिया में इफ्तार के वक्त एक सेलिब्रेशन का समय होता है, सहरी के वक्त होता है, लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, खाने बांट रहे होते हैं, मोहब्बतें बांट रहे होते हैं, तो आई विश के पाकिस्तान में भी ज़रा एक ये हम अंडरस्टैंड करें कि हम रमज़ानुल मुबारक को सेलिब्रेट कर सकते हैं। खैर, और मेरा भी एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हंसते मुस्कुराते हुए, और वैसे भी मेरी रिलीजियस नॉलेज बिल्कुल भी बाकी जो हमारे आर्टिस्ट हैं उतनी
तो नहीं है और जो हमारे स्कॉलर्स हैं उतनी नहीं है, तो मैं, मेरा एक ये सीखने की जर्नी होती है, तो लर्न करती रहती हूँ। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि एक तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और कॉन्स्टेंटली नई बातें सीखने को मिलती हैं। और क्योंकि हमारे साथ इतने अमेजिंग स्कॉलर्स और सनाख्वा होते हैं, और उसके अलावा दूसरे एरिया के भी लोग होते हैं, तो उनसे भी बातचीत होती है, तो नमाज़ों का सिलसिला चलता रहता है। और फिर उसके साथ साथ सेट पे ही जो हमारी शेफ़ इफ्तारी बना रही होती है, मैं भी उसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश करती हूँ, साथ में उनके कोई ना कोई चीज़ बना लेती हूँ, अपनी डाइटिंग वाली इफ्तारी साथ भी लाई होती हूँ। उसके बाद जो है वो रोज़ा इफ्तार होता है सबके साथ सेट पे। उसके बाद जब इफ्तारी हो जाती है, हम आखिरी 15-20 मिनट के लिए ऑन एयर आते हैं। ऑन एयर थोड़ा सा टाइम जो है गुजारने के बाद प्रोग्राम क्लोज़ हो जाता है, सबको खुदा हाफिज़ कह के, एंड ऑफ कोर्स एक मीटिंग करने के बाद सेट पे मैं फिर घर के लिए रवाना हो जाती हूँ। इशा जो है वो घर पे ही पढ़ी जाती है, वरना बाकी जो 3 नमाज़ें के बीच की होती हैं वो सेट पे होती हैं। फिर घर पहुँचती हूँ, थोड़ा सा टाइम अगेन फैमिली को, घर को नमाज़ पढ़ी, और फिर क्योंकि मैं इफ्तारी फैमिली के साथ नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि डिनर या कोई भी जो जिस तरह लोग अक्सर गेट टुगेदर करते हैं इफ्तारी पे वगैरह, तो वहाँ पे फिर उस टाइम पे चली जाती हूँ जब मेरी ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाती है, फिर वहाँ पे टाइम गुजारना। एंड रमज़ान में तो अक्सर औकात रात देर हो ही जाती है सोते सोते, नॉर्मली मैं 10-10:30 बजे सोती हूँ, लेकिन रमज़ान में यही होता है कि 12 बज जाते हैं, सोना, फिर जल्दी उठना, सहरी करना। एंड लाइक आई सेड, अक्सर मैं ऐसे करती हूँ कि मैं एक्सरसाइज या तो वो जो है कि इफ्तारी के बाद, यानी कि जब घर आने के बाद, इशा पढ़ने से पहले एक्सरसाइज की, नहा धो के, वज़ू करके, उसके बाद फिर इशा पढ़ के थोड़ा सा फैमिली के साथ रिलैक्स किया, चिल किया। ये वो दिन होते हैं जब आपको पता है कि इंसान इबादत भी करता है, बड़ी क्लोजनेस हो जाती है फैमिली के साथ। एंड देन ऑफ कोर्स जैसे जैसे ईद करीब आ रही होती है, तो इन सब चीज़ों के साथ कुछ टाइम शॉपिंग के लिए भी निकालती हूँ। सो ये मेरे पिछले 8-9 रमज़ानुल मुबारक थे, इस साल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अगर इफ्तार ट्रांसमिशन ना की, वैसे तो ऑफ कोर्स हमेशा जी चाहता है कि करूँ, क्योंकि फिर आप लोगों के साथ भी कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है एंड सीखने का मौका मिलता है। और एक्चुअली ये पूरा महीना नमाज तो इंसान पढ़ता ही है, एटलीस्ट कोशिश करता है कि हम 5 नमाज़ें पढ़ें, और हमारे ऊपर फ़र्ज भी है, लेकिन एक वो जो एक इबादत का आंसर होता है और सीखने का एक अमल होता है, लिटरली मुझे लगता है कि जैसे मैं वो एक महीने के लिए यूनिवर्सिटी वापस चली जाती हूँ, कॉलेज वापस चली जाती हूँ, और एक ओवरलोड होता है इन्फॉर्मेशन का। और इंसान आई थिंक वो एक साल, एक महीना जो होता है वो मुझे बाकी 11 महीने के लिए एक इंजेक्शन दे देता है कि मैंने अपने आप को एक सर्टन तरीके से लेके जाना है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं पिछले 10-12 साल में तुम बहुत चेंज हो गई हो, जिस तरह तुम एक हाइपर अग्रेसिव टाइप पर्सनैलिटी थी, अब तुम्हारे अंदर वो चीज़ें नहीं रही। तो ये जो सब्र और शुक्र और एक पॉजिटिविटी का एलिमेंट मेरे अंदर आया है, इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो जो ट्रांसमिशन्स मैं होस्ट करती रही हूँ उससे आया है। आई होप कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं, बट ये मेरा एक रूटीन होता है ड्यूरिंग रमज़ान। बट अगर हाइपोथेटिकली ना हो मतलब मेरी ट्रांसमिशन, तो फिर रूटीन में ये डिफरेंस आएगा कि आफ्टर सहरी उठ के जाना, मतलब थोड़ा सा सोने के बाद जाग के फैमिली को टाइम देना, बच्चों के साथ वक्त गुजारना, एंड देन इफ्तारी के वक्त कोशिश ये करते हैं, मेरी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो जा के फिर डिफरेंट जगहों पे, हॉस्पिटल्स पे इफ्तारी बांटते हैं, या ऐसी जगहों पे, ऐसी बस्तियों में जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। एंड ऑफ कोर्स रमज़ान से पहले भी रमज़ान के पैकेट्स बनाना और वो देना, वो जितने जो जो इंसान करता है वो बड़ी प्राइवेट चीज़ होती है, बट फिर ये इस चीज़ में मैं अपने आप को बिज़ी कर लेती हूँ। एंड देन इफ्तारी या सहरी के अगर शोज़ होते हैं तो एज अ गेस्ट उनमें चले जाना, और फिर जो इफ्तारी का टाइम होता है स्पेशली, उस वक्त कोशिश होती है कि एटलीस्ट 2-3 दफ़ा हफ्ते में जा के किसी जगह पर इफ्तारी दी जाए और लोगों की थोड़ी सी हेल्प और सपोर्ट की जाए। और उसमें कोशिश ये होती है कि जब ये चीज़ करूँ, मैं जब ट्रांसमिशन होस्ट कर रही होती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं, जो उनके फैमिली में लोग इस तरह जा के करते हैं, उनके साथ हमजा भी जा के अपने हाथ से इस तरह से करे, ताकि उसमें भी एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड और कंसिड्रेशन आए उन लोगों के लिए जो शायद मुस्तहिक है या उतना नहीं अफोर्ड करते। एंड देन ऑफकोर्स वही एक इन्जॉयमेंट का भी एलिमेंट होता है। मैं तो रमज़ान मुबारक को सीखने के साथ इन्जॉय बहुत करती हूँ, एंड आई होप कि ये रमज़ान मुबारक 2019 का हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहे, हर इंसान के लिए बरकतें लेके आए। और आई होप कि आप भी दुआओं में याद रखेंगे, आप लोग तो हर वक्त मेरी दुआओं का और मेरे दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। सो दिस इज़ माई रूटीन एंड प्लान
ڈیورنگ رمضان. اسی نوٹ پہ اب خدا حافظ کہوں گی, لیکن جاتے جاتے آپ کو یہ ضرور یاد کراؤں گی کہ آپ نے مجھے سوشل میڈیا پہ بھی فالو کرنا ہے. میرا انسٹاگرام ہے JUGGUNKAZIM, اینڈ جگن کاظم ہی ٹویٹر کا ہے. اینڈ اگر آپ نے مجھے فیس بک پہ فالو کرنا ہے تو جگن کاظم آفیشیل پہ فالو کر سکتے ہیں. اینڈ یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اس کے ساتھ نوٹیفیکیشن بیل بھی کلک کریں, اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا. خدا حافظ. اب میری بک ماں کے معاملے اینڈ موم میٹرز اردو اور انگریزی دونوں میں دستیاب ہے, سو آپ اسے آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں, اور اسے پڑھنے کے بعد مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا.